स्टेशन से गाड़ी छूटने पर मसीहा बना ऑटो वाला। ऐसे ही एक घटना बेंगलुरु का है। बेंगलुरु शहर जो कि ट्रैफिक के लिए अक्सर लोगों को उनके लाइफ में जरूरी इवेंट में लेट करना के लिए मशहूर है। ऐसे में एक आदमी ने जब अपनी ट्रेन मिस कर दी तो एक ऑटो वाले ने बिल्कुल जब वी मेट के स्टाइल में रिक्शा भगा कर उसे अगले स्टेशन पर पहुंचा दिया। आदमी ने टाइम से अपनी ट्रेन पकड़ लिया और बताया उसने अपने जीवन की इस अनुभव को शेयर किया कि आखिर एक ऑटो वाले ने कैसे उसकी मदद की। बेंगलुरु भले ही आईटी सेक्टर में आ गए हैं लेकिन अपने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हर दिन चर्चा में बना रहता है। सबसे ज्यादा बेशकीमती समय लोगों को इस लाचार ट्रैफिक व्यवस्था के कारण ही सड़कों पर गुजरते हैं। इसी भागदौड़ के कारण किसी का ट्रेन छूट गया। न तो वह गीत की तरह भाग कर ट्रेन पकड़ रहा था, न ही अपने जीवन में किसी आदित से परेशान होकर भाग रहा था। उसे तो बस बेंगलुरु के ट्रैफिक व्यवस्था की मार झेलनी पड़ी। आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि अगर आप स्टेशन पर इन सब के बाद भी पहुंच जाते हैं, इतने ट्रैफिक झेलने के बाद भी पहुंच जाते हैं और बाद में आपको यह पता चले कि आपका ट्रेन तो छूट चुका है, ऐसे में परेशान होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में अगर आपको कोई वी मेट की तरह मिल जाए और आपको ट्रेन पकड़ने में मदद करे और सफल हो जाए तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। ऐसे ही एक शख्स आदिल हुसैन ने अपनी फिल्मी जर्नी के बारे में बताया है। आदिल हुसैन पेशे से एक यूट्यूबर हैं। उन्हें बेंगलुरु के एसएससी स्टेशन से 1:40 पर प्रशांति एक्सप्रेस को पकड़ना था। हालांकि वह बेंगलोर के टॉक्सिक ट्रैफिक को देखते हुए 12:50 में ही अपने घर से रवाना हुए। उनको सिर्फ घर से स्टेशन तक के लिए 17 किलोमीटर की दूरी तय करके स्टेशन पहुंचना था। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो आसपास के टैक्सी वाले ने बताया कि ट्रेन तो निकल चुकी है, यानी कि ट्रेन छूट चुकी है और आप लेट हो चुके हैं। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर नहीं होता। स्वयं रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो वाकई में उनके ट्रेन छूट चुके थे। और उनके यह देखते हुए क्योंकि उनको काफी अर्जेंट मीटिंग में कहीं जाना था तो उनके पांव तले जमीन खिसक के आखिर ट्रेन को कैसे पकड़े, काफी परेशान हुए। तभी एक ऑटो वाले ऑटो चालक उनके पास आया और कहा कि उनका मदद कर सकता है। जो गाड़ी उनकी छूट गई है उसे 27 किलोमीटर दूरी तय करके अगले स्टेशन पर जाके पकड़ने में उनका मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में वह 2500 रुपये लेगा। हुसैन ने इसे स्वीकार कर लिया। हुसैन बताते हैं कि अगले 20-25 मिनट में हमने अपनी जिंदगी के सबसे अजीब अनुभव प्राप्त किया, जो कि एक ऑटो ड्राइवर की ऑटो चालक की थी। उसने न सिर्फ रफ्तार को बढ़ाया बल्कि शॉर्टकट भी लिया। उसने दूसरे साथियों को भी इशारा किया कि जो हमारी तरफ से ट्रेन पकड़ने की कोशिश में थे। हुसैन आगे बताते हैं कि यह आदमी हमेशा ही मेरे जैसे लोगों का इंतजार करता है, ट्रेन को अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही पहुंचाने का दावा करता है और 20 से 25 मिनट में 2500 रुपये कमाता है। अगर ऐसा एक बार भी होता है, ऐसा करने में कामयाब रहता है तो समझिए कि महीने को 75,000 रुपये कमाने में यह व्यक्ति कामयाब होता है या कमाता है। हुसैन ने इसे अपने जीवन में एक यादगार पल जो भी मेट की तरह बताया है। लेकिन अगले स्टेशन के लिए भागम भाग करना तो हमने, यानी कि आदिल जी ने बताते हैं कि हमने आदित और गीत से ही सीखा है।